गुआनशुन मचिंग को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था, लेकिन नॉर्मली प्रिस्ट जो दूल्हे दुल्हन को कसम खाने के लिए कहते हैं, वो गुआनशुन को ठीक नहीं लग रही कि तुम गरीब होगे या फिर अमीर होगे, स्वस्थ होगे या फिर बीमार होगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गुआनशुन ने कहा कि तुमने मेरा कितना इंतजार किया है, तो फिर मैं तुम्हें बीमार कैसे पड़ने दे सकता हूँ या फिर तुम्हें गरीब कैसे बनने दे सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर आने वाली सारी मुसीबतों को पहले मुझसे गुजरना होगा। तुम हमेशा रिच और हेल्दी रहोगे और मैं मेरा सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें सर्व करूंगा। और एंड में उसने कहा, मचिंग मैरी मी। ये सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा था, पूरी दुनिया ये देख रही थी। मचिंग भी गुआनशुन के इस काम से इतना खुश हो गया कि उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसने अपना हाथ आगे किया कि अब जल्दी से मेरी उंगली में रिंग पहना दो। गुआनशुन ने वफादार डॉगी की तरह कहा कि यस मास्टर। फिर वो मचिंग को हेलीकॉप्टर में लेके चला गया कि चलो घर चल के हमारी वेडिंग नाइट एंजॉय करते हैं। ये सुन के मचिंग ने चिल्लाया कि शट अप गुआनशुन। फिर अगले सीन में उन दोनों ने वेडिंग नाइट एंजॉय कर ली थी। गुआनशुन के सो जाने के बाद मचिंग उठा और वो सीक्रेटली बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने लगा। डॉक्टर ने तो उसे मना किया था कि ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसे अपने पार्टनर के साथ बात करके कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स यूज करने चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरह से पिल्स खाता रहेगा तो फिर उसकी प्रेग्नेंट होने की एबिलिटी पे भी असर हो सकती है। लेकिन शायद मचिंग प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता, इसलिए वो सीक्रेटली ये दवाई खा रहा था। यहाँ पे दूसरी और फ्लावर शॉप में निंगी और सुमो के बीच में बात बन गई थी। वो दोनों मतलब इतना भी ज्यादा खुशी खुशी नहीं, वो शांति से काम कर रहे थे। तभी सुमो की उंगली में चोट लग गई तो निंगी ने वरीडली वो उंगली अपने मुंह में ले ली कि मुझे देखने दो, जिससे सुमो का फेस रेड हो गया। तो निंगी और ज्यादा परेशान हो गया कि क्या हुआ, क्या अब भी तुम्हें बेहतर नहीं लग रहा है। सुमो ने बताया कि उसकी तबीयत खराब नहीं है, आज बस उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और उसने बात बदल दी कि क्या हुआ, वो अभी किसी के साथ बाहर खेल रहा है। निंगी ने बताया कि वो अभी बाहर गया है और मैंने किसी को उसके पीछे भेज दिया है, उसे कुछ भी नहीं होगा। हुआ को किकी का लेटर मिला था, उसमें लिखा था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अकेले ही आना नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। हुआ अब से ही किकी को इतना पसंद करने लगा है कि वो आंख मूंद के उसकी सारी बातें मानता है। तो फिर वो बॉडीगार्ड को चकमा दे के अकेला ही वहाँ पे चला गया। उसे ये डर तो था कि उसके पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, लेकिन वो थोड़ी ही देर में तो वापस आने वाला था। तभी कोई छुपके से उसके पीछे आया और उसे बोरी में उठा के ले गया। यहाँ पे बॉडीगार्ड ने निंगी को फोन पे बता दिया था कि यंग मास्टर उसे कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं। ये सुनते ही सुमो बहुत ही परेशान हो गया कि मुझे उसे ढूंढने जाना ही होगा, वो खतरे में है। निंगी उसे शांत करने की कोशिश करता है कि सुमो पहले शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद डॉक्टर मू ने ही उसे किडनैप किया है। वो उस मास पार्टी के वक्त से ही हुआ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे हुआ की जीन्स चाहिए, वो अभी तो उसे जिंदा रखेंगे, तुरंत ही कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। वो सुमो के आगे घुटने पर बैठा और अपने दोनों हाथों से उसके हाथ पकड़ के कहा कि फाइनली हमारी फैमिली एक हो गई है, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्लीज मेरा यकीन करो, मैं भी हुआ को वापस लाने में मदद करूंगा। और मुझे शायद थोड़ा थोड़ा ये भी अंदाजा है कि डॉक्टर मुख किसके साथ मिला हुआ है, जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक होगी हम तुरंत ही उसी काम में लग जाएंगे।